हे गाइस, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। आज जैसा कि बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं एक बार फिर से पर्यावरण की एक नई सीरीज लेकर और एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर। आज से हम लोग एक वन बाय वन क्या है प्रैक्टिस सेट आपको देंगे और ऐसे फनी ट्रिक और ऐसे आपको याद कराया जाएगा पर्यावरण का वो क्वेश्चन जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हूबहू बैठ जाएगा और आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, इट्स गारंटी। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो भी लगे हैं पर्यावरण के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हो कि वह कौन सी परावैगनी किरण है, सूर्य से निकलने वाली वह कौन सी परावैगनी किरण है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, राइट। तो सबसे ज्यादा खतरनाक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए में है यूवीए, ऑप्शन नंबर ए में है यूवीए अल्ट्रावायलेट ए, और ऑप्शन नंबर बी में है यूवीबी, और ऑप्शन नंबर सी में है यूवीसी। ऑप्शन नंबर जो है सी में है यूवीसी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो कोई नहीं है, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं, आप सभी पढ़े होंगे कि सबसे खतरनाक परावैगनी किरणें जो है वो होती हैं सी नंबर की जो होती है यूवीसी, सबसे खतरनाक परावैगनी किरणें हैं। और अगर इसको एक ट्रिक से याद कराया जाए तो आपको कभी नहीं भूलेगा, थोड़ा सा रोमांटिक और क्या है कि फनी ट्रिक है। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक है क्या, दो व्यक्ति हैं, दो क्या, इसका इनका नाम है क्या ही और इनका नाम है सी, ये ही है और ये सी है। ये डेली कोचिंग जाती है, अपने घर से कोचिंग जाती है, और ये क्या करते हैं व्यक्ति डेली इनको क्या है घूरते हैं, सी करते हैं। तो प्रोनंसिएशन पे यहाँ पे हमको ध्यान देना है, सी करते हैं मतलब क्या, सी करते हैं। अगर कभी ये इनको गलती से देख ली तो बताइए क्या होगा, इनके लिए खतरा हो जाएगा नहीं। तो प्रोनंसिएशन पे यहाँ पर सी की जगह हम ये सी अज्यूम कर लेंगे, इस सी की जगह हम ये वाला सी अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा इनके लिए, इन्होंने इनको अगर देख लिया गलती से तो इस ही आदमी के लिए खतरा हो जाएगा, अर्थात सी से क्या खतरा, और सी से खतरनाक अर्थात सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट कौन होती है, तो वो है यूवीसी अल्ट्रावायलेट सी। नाउ अगले क्वेश्चन क्या, आई होप आपको ऐसे ही मजा आएगा, बस एक बार देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या इसको अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, राइट। तो नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री साढ़े 82 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत में, पहला क्वेश्चन यहां से देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक और पूछ लेता है कि भारत में कितनी मानक समय रेखा है, तो एक है 82.5 डिग्री देशांतर। अब क्वेश्चन क्या है, जैसा आप देख रहे हो क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो भारत की मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो बस कुछ नहीं करना है, आप इसको क्या करेंगे गाइस कि आप यहां पर बस लिख लेंगे समय रेखा, दो तरीके से समय रेखा, जैसे ही आप लिखेंगे, आप जैसे ही समय रेखा लिखेंगे क्या है आपको 5 शब्द मिल गए, कुछ करना ही नहीं, ये देखिए 1 2 3 4 5 5 क्या, 5 भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन, ये देख लीजिए, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और क्या हो जाएगा उड़ीसा, ये 5 राज्य है जहां से भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। दूसरे तरीके से आप और देख, आंसर आपके सामने अगर दे दिया, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर है, 8 को भूल जाइए और जोड़ लीजिए, 2 2 4 1 5 कितने राज्य हो गए, 5 राज्य, तो इन 5 राज्यों से होकर कौन सी भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अब आइए इसको याद करते हैं क्या ये जो 5 राज्य है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो देखिए इसको ऐसे कुछ करेंगे कि यूपी और एमपी में क्या था, 36 का आंकड़ा था, यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा था और यूपी वाले में एमपी वालों को, यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा था और यूपी वाले ने एमपी वालों को ऐसे मतलब पीटा, ये याद करने के लिए ऑब्वियसली पीटा नहीं है, यूपी वाले ने एमपी वालों को ऐसे पीटा कि बोलो क्या 36 का आंकड़ा से छत्तीसगढ़, ऐसा पीटा गाइस कि क्या हो गए वो अंधे होकर उड़ गए, तो अंधे से आंध्र प्रदेश और उड़े से क्या हो जाएगा उड़ीसा, दैट सिंपल, कुछ करना ही नहीं, बस एक बार सुन लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। यूपी एमपी में 36 का आंकड़ा, यूपी एमपी हो गया, 36 का आंकड़ा मतलब छत्तीसगढ़, आंध्र से आंध्र प्रदेश और क्या है उड़ीसा से उड़ीसा, दैट सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा, बस इसको शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला
अगला क्वेश्चन है जैसे आपके सामने कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये पॉलिटिका है जो कि पर्यावरण से संबंधित है। संविधान सभा के गाइस अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है गाइज, मैं देख रहा हूँ आपको, आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी है क्या बी एन राव। अब इसको देखिएगा बस ट्रिक यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ऐसी ट्रिक आपको पहली बार मिल रही पर्यावरण में, वो भी चंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो चंद्रा इंस्टीट्यूट आप लोग के लिए लगातार मेहनत कर रही है, प्लीज़ जल्दी जल्दी इसको शेयर करते रहिए और दोस्त और लाइक करते रहिए, ठीक है। आइए जैसे ही आपको दिख गया अस्थायी कुछ नहीं करना है, मैं पहले बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है क्या, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद वो सिंघा नहीं है, सिन्हा है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा है। अब यहाँ पर आपको क्या, अगर आपको ये शब्द दिख गया अस्थायी और सच्चिदानंद, बस वही करना है कि जो सच्चे लोग होते हैं उनको दुनिया में हमेशा क्या अस्थायी कर दिया जाता है, सच्चे लोगों को हमेशा दुनिया में अस्थायी कर दिया जाता है। तो यहाँ से सच्चे से सच्चिदानंद हो गए, अस्थायी से अस्थायी हो गया, या दूसरे तरीके से रोमांटिक, आजकल क्या है बहुत ज़्यादा ब्रेकअप क्यों होते हैं, जो बहुत ट्रू लवर होते हैं अर्थात जो सच्चा प्यार करते हो कभी एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है, अर्थात उनका प्यार उनका लव क्या कर दिया जाता है, अस्थायी कर दिया जाता है जो सच्चे लवर होते हैं ना। तो सच्चे से आपने क्या पकड़ा अस्थायी को, और कोलरेट करके आंसर आपके यहां पर बैठ गया है, यू नेवर फॉरगेट इट, राइट। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है जो अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर होता है या जमता है तो कहलाता है, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर जमता है तो कहलाता है, क्या कहलाएंगे। आगे देखिएगा आंसर, आपके सामने ऑप्शन है ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, अवसादी चट्टान, या इसमें से कोई नहीं सॉरी ऑप्शन देखिएगा क्या है कि बेसाल्ट चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान है, और आपका क्या है कि यहाँ पर अवसादी चट्टान है और कोई नहीं ना। तो अब इसका आंसर देखिएगा, जब मैग्मा, इधर देख लीजिए एक बार, जब यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से मैग्मा जमा है, जब यहाँ से ऊपर जाता है और ये पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसको आप लावा कहते हो, और जब यहाँ पर रहता है तो मैग्मा, जब ये निकलता है यहाँ पर जम जाती है तब कौन सी चट्टान कहलाती है, और यहाँ से जमती है तब। तो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के नीचे जब चट्टान मैग्मा जमता है तो उसको क्या कहते हैं, तो जब पृथ्वी के नीचे जमता है तो उसको क्या कहते हैं, देखिए ग्रेनाइट कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं जब पृथ्वी के नीचे जमता है तब। अब इसकी क्या है कि इसकी ट्रिक देखिएगा आप, इसकी ट्रिक फिर से वही बात ही बात मैं कहूँगा कि फिर से हमेशा के लिए यहाँ पर बैठ जाएगी, आप भूलोगे नहीं, ठीक। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ग्रेनाइट आपने पकड़ा है, यहाँ पर चट्टान है, और यहाँ से आप पकड़ोगे नाइट को, नाइट मतलब क्या, रात, रात मतलब क्या बोलो, अंधेरा होता है माई डियर, रात मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है, और जब यहाँ पर सतह है, और सतह माने पृथ्वी के नीचे जब आप जाओगे माय डियर तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, अर्थात अंधेरा यहाँ भी, अंधेरा यहाँ भी। अब बताओ कि ग्रेनाइट चट्टान कहाँ पाई जाएगी, सतह के ऊपर या सतह के नीचे, तो माय डियर आंसर आपके सामने है, अंधेरा, अंधेरा। तो यहाँ पर आप पृथ्वी के नीचे आओगे तो सतह के नीचे अंधेरा होगा और यहाँ पर चट्टान पाई जाएगी, ओके। तो ये आपका ट्रिक, बस देखते जाइए, और क्या है थम मतलब कि आप इसको लाइक करते जाइए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे जो वीडियोज़ आएंगे ना, यू कांट बिलीव कि ऐसे शानदार आप देख कर बस आंसर हमेशा के लिए। और ध्यान दीजिएगा, इस बार EVS में चंद्रा इंस्टीट्यूट के चैनल के द्वारा EVS में सबसे अच्छा स्कोर आपका होने वाला है, वो जो पढ़ाई करने वाला हो या ना हो, क्योंकि इस तरीके से जब फनी ट्रिक मिलेगी तो आपको याद हो जाएगा, ओके। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई का उदाहरण हो सकता है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई का फंक्शनल यूनिट का उदाहरण हो सकता है, और आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है मृदा, सूक्ष्म जीव, अपघटक और जंगल। यहाँ पर देखिएगा प्रकृति की क्रियात्मक इकाई की बात किया है, और आपके सामने ऑप्शन है क्या, मृदा है, सूक्ष्म जीव, अपघटक, डिकम्पोजर है, और लास्ट ऑप्शन है वन। तो इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिएगा, देखिएगा इसको एक बारी देखिए इसका आंसर क्या होगा गाइस, इसका आंसर होगा जंगल या वन, क्यों, अब इसको देखिएगा। आपने पढ़ा होगा,
आपने पढ़ा होगा कि जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र को कहते हैं पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई, माने कि फंक्शनल यूनिट। तो यहाँ से क्या है, पारितंत्र का आप पढ़े होंगे तो उसका एक उदाहरण माने कि स्थलीय उदाहरण में दिया था जंगल। तो यहां पर अगर बोला जाए तो सीधा सीधा क्रियात्मक इकाई हो जाएगा, यहां से क्रियात्मक इकाई सीधा सीधा हो जाएगा पारितंत्र, और पारितंत्र का एक उदाहरण है जंगल, तो जंगल इज द राइट आंसर, राइट। तो नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, और आपके सामने जो ऑप्शन है गाइस वो है क्या, वन्य जीव संरक्षण से, आपका जल संरक्षण से, ओजोन संरक्षण से, और मृदा संरक्षण से। ध्यान रखिएगा यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये क्या हुआ है कि ये कनाडा में पड़ता है, कनाडा में एक जगह है, और यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में पड़ता है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों हुआ था, ओजोन क्षरण जो हो रहा था उसके संरक्षण के लिए। तो द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, बोलो सी, तो सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ओजोन संरक्षण या ओजोन परत। और आपको पता है कि हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस जो पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है ना गाइस, वो डाप्शन विद इकाई में मापी जाती है, राइट। तो एक क्वेश्चन से कई हो गए, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग तुरंत चलते हैं, और देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है, और यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है गैस, O2 है, ऑक्सीजन, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है कि NO2 है। तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, उन सभी को पता है कि इसको कैसे कैसे एक पॉइंट हम लोग क्या क्या CO2 पकड़ के और कितने क्वेश्चन कर लिए थे। हालांकि इसके जो भी क्या है कि जो भी इसका आंसर है वो देखिए क्या है, इसका CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग का जो आंसर है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो है CO2, राइट। अब यहाँ से देखिएगा CO2 के बारे में आपको क्या है, कुछ गुण बताया था मैंने ऑफलाइन क्लास में, जो ले रहे हैं बेसिकली, जैसे कि मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ और मेरे बहुत प्यारे बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बहुत क्या है कि ये लगातार जो इंजॉय कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस का। हालांकि आगे फिर से ऑनलाइन वाले परेशान ना हो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं कंटिन्यू आता रहूँगा और आप लोग को ऐसे फनी और शानदार ट्रिक देता रहूँगा। तो CO2 के आपको एक खासियत बताई थी कि CO2 को क्या है, जो हीट है ना उसमें, उससे लव है, प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, आप जो भी कहो, और अगर CO2 कहीं पर ऊष्मा देख लेगी तो उसको जाने नहीं देगी, अर्थात पकड़ लेगी। तो पृथ्वी पर जितनी ज्यादा CO2 की मात्रा बढ़ेगी उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, बोलो गर्मी बढ़ेगी। तो आप इसको कह सकते हो कि जो CO2 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, हीट के होती है या फिर गर्मी के होती है, तो इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2, राइट। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, और तो और सुनिए एक बात, और जो मेरे ऑफलाइन वाले हैं उनको क्या है, वायुमंडल में CO2 की कितनी मात्रा है, इसको वो कभी नहीं भूलेंगे। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि CO2 की जो है याद करने की एक विधि बनाई है, एक विधि बताई है, ट्रिक है बहुत शानदार, आप देख लो अगर देना चाहो तो। पहली बार आप देख लीजिए CO2 अगर आपको याद करना है कि वायुमंडल में इसकी कितनी मात्रा है, तो ये देखिए गाइस पहली बार आप देख लीजिए CO2। ऐसे ही चंद्रा इंस्टीट्यूट नहीं फेमस है, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं देता है, ऐसे हम कुछ करते हैं। देखिए CO2 आपने लिख लिया, आपको पता नहीं इसकी मात्रा कितनी है, बोलो इसमें कुल कितने मालिक्यूल है, आपको लिख लेना COO, कितने हो गए, 1, 2, 3, तीनों को जोड़ दो, ये लिया, लिख दिया 3, और यहाँ से एक कार्बन हटा दो, 2 जीरो को उधर कर दो, 1 और 2 जीरो, 1.5% हो जाएगा। इतना CO2 की मात्रा कभी जीवन में ना तो याद करने की जरूरत है, ना रटने की जरूरत है। ये देखिए CO2 की मात्रा, एक बार फिर से देख लेना है वीडियो को पीछे करके, मैं कैसे बताया हूं कैसे आपको CO2। देखिए यहां पर 3 मॉलिक्यूल दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन के, तीनों को जोड़ के यहां पर रख दिया और 2 ऑक्सीजन अलग अलग रख दिया, एक के बाद परसेंटेज, बस यही हो गया CO2 की मात्रा, राइट।
बहुत अच्छा लग रहा होगा, आई होप वीडियो आपको बहुत शानदार वीडियो पहली बार यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक के द्वारा आप पढ़ रहे होंगे क्या पर्यावरण या EVS। आने वाली क्लास में देखिए कितनी शानदार चल रही है चंद्रा इंस्टीट्यूट की ये जो है टीम और आपको लेके आगे बढ़ रही है, बस ऐसे इसको शेयर करते रहिए लाइक। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषक का सूचक है? लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण का सूचक है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और क्या है ध्वनि प्रदूषण। तो आपको पता है कि लाइकेन क्या होता है, ये वायु प्रदूषण होता है गाइस। जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण सूचक होता है, और वायु प्रदूषण सूचक मतलब जहाँ की जो है एयर पोल्यूटेड होगी वहाँ पर ये होगा ही नहीं, वहाँ पर ये क्या है कि पोल्यूटेड होगा नहीं वहाँ पर, क्योंकि लाइकेन क्या है वायु प्रदूषक होता है, जहाँ पर पोल्यूटेड वायु रहेगी वहाँ लाइकेन की क्या है वही नहीं होगी, ये मतलब उगेगा ही नहीं या फिर इसका एक प्रकार से आगे बढ़ेगा नहीं, इसका विकास नहीं हो पाता है, आप यूँ कह सकते हैं राइट। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बस आप लोग का क्या है सपोर्ट मिलता रहा है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि दीपावली का जो त्यौहार है पर्यावरण से किस प्रकार का संबंधित है? आप इसको पढ़े हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है गाइस, और मुझे नहीं लगता कि किसी प्रैक्टिस सेट या किताब में मिलेगा। दीपावली का त्यौहार पर्यावरण, दीपावली का त्यौहार पर्यावरण से किस प्रकार का संबंधित है, और इसका क्या है कि आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, जैविक घटक है, मानव निर्मित है, अजैविक घटक है, या फिर कोई नहीं। तो आपको पता है आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा कि प्रदूषण जो आपका पर्यावरण उसके घटक आपने पढ़े होंगे जैविक, अजैविक और मानव निर्मित, और आपने मानव निर्मित में पढ़ा होगा गाइस क्या संस्कृति या कल्चर, संस्कृति आपने पढ़ा होगा, और संस्कृति या जो बनाया है वो है मनुष्य, और संस्कृति बोले तो क्या त्यौहार आता है, और त्यौहार में क्या है आपका बोलो दीपावली त्यौहार नहीं है क्या, होली आ जाए तब भी, रक्षाबंधन आ जाए तब भी, या कोई नृत्य आ जाए कथकली जो हो गया आपका, शास्त्रीय नृत्य हो गया ना, जितने भी नृत्य है वो सब संस्कृति में आएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मतलब कि मानव निर्मित इज द राइट आंसर। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? देखिए इसको लेकर कई बार जहाँ पर मैं क्लास लेता हूँ, अभी तो मैं खैर आगरा ब्रांच में हूँ चंद्रा इंस्टीट्यूट के, और यहीं पर अभी क्लास ले रहा हूँ, तो जहाँ पर यहाँ मैं क्लास लेता हूँ आगरा में, तो यहाँ पे क्या है कि इस प्रश्न को लेकर कई सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं, और अलग अलग किताबों में कौन सी भाषा में लिख दिया इसको देखिएगा। यहाँ पर क्या है जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या होता है कि वो किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय होता है, दो दिशीय होता है, या फिर क्या है कि बहुदिशीय होता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो खाद्य श्रृंखला में ध्यान दीजिएगा ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा, खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा, क्यों बस थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी का हम लोग अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ये देखिए जो घास है, घास अगर घास को बोलो टिड्डा खाएगा माय डियर, तो घास को अगर टिड्डा ने खाया और टिड्डे को अगर किसने मेंढक ने खाया माय डियर, तो बोलो ऊर्जा किसको मिलेगी मेरे भाई? जब घास को टिड्डा खाएगा तो ऊर्जा किसको? टिड्डे को मिलेगी। टिड्डा को मेंढक ने खाएगा तो ऊर्जा किसको? मेंढक को मिलेगी। और मेंढक को अगर बाय द वे सांप ने खा लिया तो ऊर्जा किसको मिली? बोलो सांप को। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि टिड्डे को मेंढक ने खाया ऊर्जा मिल गई टिड्डे को, या फिर मेंढक को सांप ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया और ऊर्जा मिल गई मेंढक को? हाउ इज पॉसिबल? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सोचो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेंढक सांप के पेट में गया, मेंढक को ऊर्जा मिली और मेंढक क्या है सांप का पेट फाड़ के बाहर, सांप मर गया मेंढक जीवित, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है राइट। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है, एक दिशी होता है, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो है आप लोग बहुत इंजॉय करे होंगे, अभी तो देखिए आगे आगे होता क्या है। तो डोंट वरी फॉर EVS, EVS क्लास में या EVS की चैप्टर में आपके बहुत अच्छे नंबर होंगे, बस एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और क्या है कि जो यूट्यूब जिसके सहारे आप देख रहे हैं, हमारे रजत जी जो सामने हैं इन्हीं के, इनको आप लोग विशेष तौर पर थैंक्स बोलिएगा, थैंक, क्योंकि यही है जो आप जो है आप हमको देख पा रहे हैं ना। तो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करके वीडियोस को जो है कैसे कैसे क्या करते हैं वो इन्हीं के है। बाकी आप लोग चंद्र इंस्टीट्यूट को लगातार क्या सब्सक्राइब करिए, देखे रहिए, और आपका लव, सपोर्ट एंड प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो आप भी एक सफल हो जाएंगे, हम भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।